जैसा कि अभी तक चलती हुई आई है क्लास, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। आपने अभी तक बहुत बार इसका नाम सुना होगा बचपन से लेकर अब तक, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए जो मैंने स्पेलिंग लिखी है यहाँ पे, MITOCHONDRION, इसका मतलब है एक माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूंगा तो स्पेलिंग होगी माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। और अगर मैं मैनी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूंगा तो स्पेलिंग हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन में क्या डिफरेंस है, याद रख लेंगे ना। यस सर। अच्छा आगे बात करते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं शेप की बात करूँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ तो स्ट्रक्चर में इसकी शेप की बात करूंगा तो उसकी शेप दोनों ही फॉर्म में मिल सकती है। इसकी शेप सर्कुलर भी मिल सकती है और सॉसेज शेप भी मिल सकती है, ठीक है, सॉसेज शेप, तो दोनों ही सर हो सकता है। स्मॉल होता है सर ये। एक मिनट, अभी अभी नहीं बोलेंगे बच्चे, अभी पहले क्लास चल लें, ये क्लास ले लें पहले, या फिर ये सॉसेज शेप का भी मिल सकता है, ये दोनों ही फॉर्म में ही मिल सकता है। सॉसेज शेप को मैं अपने हाथों से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह की शेप का भी मिल सकता है। तो आप ये भी याद रखें कि ये जो मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है ये, तो ये भी याद रखें। ये कैसी ऑर्गेनल है, ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। इसके अपने दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस है। और समझो एक मैंने इसकी आउटर मेम्ब्रेन बना दी है और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड होती है, ठीक है, अंदर की तरफ ये फोल्डेड होती है। तो ये मैं सर्कुलर वाला बना रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया बन गया है ये, और अंदर वाली मेम्ब्रेन में इसमें भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर इनमें से एक को मिटा दूंगा जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन में ड्रॉ कर रहा हूँ और लाइव ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोग भी ड्रॉ कर पाए और ये ना समझे कि सर तो बना बनाया है, ड्रॉइंग से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ईजी ड्रॉइंग है ये, आप इसी को बना के आए एग्जाम में, ठीक है। तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई, समझ में आ रहा है सभी को, ड्रॉइंग सही है ना। Yes. तो ये है आउटर मेम्ब्रेन, ओके थैंक यू, और ये है इनर वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा तो एक मेम्ब्रेन है इसमें आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर वाली जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, ठीक है, और आउटर वाली फोल्डेड नहीं है, ठीक है। अब मैं एक को मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये बड़ा सा, ये ना ज्यादा एरिया घेर रहा है, ठीक है, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, इनर वाली मेम्ब्रेन ने एक स्ट्रक्चर फॉर्म करी है यहां पर जो कि आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर इसने फॉर्म करी है अंदर की तरफ, इसका एक नाम है, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है, याद रखेंगे ये सभी क्या है, क्रिस्टी है, ठीक है। तो क्रिस्टी फॉर्म किया है इन्होंने, आपको याद रखना, अगर मैं आपसे कहीं पूछूं क्रिस्टी क्या है तो आपको बताना है कि द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म सम इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है, उनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। फिलहाल इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक डीएनए होता है सर्कुलर, ठीक है, अपना एक डीएनए होता है इसके पास, ठीक है, और इसके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स भी मिलेंगे इसके पास अपने, राइबोसोम्स, ठीक है। अब डीएनए है, राइबोसोम है, और ये साथ के साथ अपना खुद का आरएनए भी फॉर्म कर सकता है, मैंने बना दिया यहाँ पे आरएनए। और एक स्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिलती है, ये पूरा जो क्रिस्टी है ये भरा हुआ होता है, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये एक स्ट्रक्चर से भरी हुई होती है,
और ये ना कंप्लीट पे आप फिल कर लेना, मैं कंप्लीट पे फिल करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? आप फिल कर लोगे कंप्लीट पे जब आप ड्राइंग बनाओगे, क्लियर है? इस तरह से ना पूरे पे बनाने ना, इनका नाम क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो इनका जो नाम है वो है F नॉट F वन पार्टिकल, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है F नॉट F वन पार्टिकल, ठीक है? F नॉट F वन पार्टिकल, ये आप ये बात भी आप लोग याद रखिए, ठीक है? F नॉट F वन पार्टिकल आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है, ठीक है? और क्या क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर ये क्या है, आरएनए, ये इसका डीएनए था, और ये है फिर, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक स्ट्रक्चर ये भी है जो मैंने बताई थी यहाँ पे अभी, ठीक है? तो इनके नाम अब लिखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है राइबोसोम, ठीक है? ये है राइबोसोम, ठीक है भाई? और ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर से जो मैंने यहाँ बना रखा है, ये है आरएनए, ठीक है? आरएनए। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, और कोई दूसरी ऐसी ऑर्गेनल हमने नहीं देखी थी जिसके पास अपना डीएनए था अभी तक, ठीक है ना? अभी तक मैंने कोई भी ऑर्गेनल, क्या लाइसोसोम के पास अपना डीएनए था? नहीं था। क्या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास अपना डीएनए था? नहीं था। क्या गॉल्जी के पास था? नहीं था। क्लियर है ना बच्चों, याद रहोगे? यस सर, यस अच्छा, सर, अब देखो भाई एक चीज आपको याद यस रखनी सर, है। ओके, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन मैम सॉरी इतना भद्दा तो नहीं पढ़ाता, क्वालिटी से पढ़ाते हैं, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे मैं जो एक क्रिस्टी बना रहा हूँ, मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, ठीक है? इस क्रिस्टी के अंदर जितना कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पर जितना कुछ भी मिलेगा, चाहे वो डीएनए है कुछ भी है, उस सबको हम टोटल, इन सभी को, चाहे डीएनए है राइबोसोम है कुछ भी है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है? मैट्रिक्स मतलब जो भी कुछ इसके अंदर माल मसाला या कुछ भी इसके अंदर मिल रहा है उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी जो कुछ भी मौजूद है उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? बॉडी की मैट्रिक्स हो जाएगा वो, ठीक है? ऐसे ही एक सेल के अंदर जो भी कुछ मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो मतलब जितना भी कुछ प्रेजेंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम उस स्ट्रक्चर की क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं एक एक करके, इसकी मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन ये आता है, जो इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस है। पोरस मीन्स ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें क्या होंगे? पोर्स होंगे, ठीक है? आउटर वाली मेम्ब्रेन क्या होंगे? पोर्स। तो मैं बना देता हूँ व्हाइट कलर से, जब मैं इसको व्हाइट कलर से मैंने ये मेम्ब्रेन बनाई है तो, ठीक है? तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी? पोरस होगी। उसके अंदर क्या होंगे? पोर्स, ठीक है? पोर्स। पोर्स तो आप समझते होंगे, पोर्स मतलब क्या होता है? पोर्स मतलब छेद यस होता है, ठीक सर, है ना? हाँ। और इनर जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एटीपी जनरेटिंग मेम्ब्रेन होती है, एटीपी जनरेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है? एटीपी जनरेटिंग मेम्ब्रेन मतलब कि ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये एक कंपाउंड की सिंथेसिस करती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो सर एटीपी क्या है, हमें पता नहीं है, तो सुन लीजिए एटीपी क्या होता है, मैं यहाँ बताता हूँ साइड में, ठीक है? एटीपी पढ़ेंगे अब हम। तो देखो भाई एटीपी क्या होता है, आपने कभी सुना है एटीपी का नाम? चलो कोई बात नहीं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट,
एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसका काम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किस किस ने ये सुना है 8th क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? ये बात तो सभी को याद रहेगी, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं या फिर इसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है ना, किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि यहीं से हमें एनर्जी मिलती है। हमें जो एनर्जी के लिए जो भी हमारा फूड वगैरह है वो कहाँ से मिलता है, किचन से मिलता है ना, किचन में ही बनता है वो। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ साइड में थोड़ा सा कि एटीपी से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। ठीक है भाई, एटीपी से हम लोगों को एनर्जी कैसे मिलती है, तो देखो भाई एक कंपाउंड इसको बोलते हैं एडिनोसिन। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन। इसके साथ तीन फॉस्फोरस जुड़े होते हैं, आप ऐसा समझ लो अभी के लिए। ठीक है, तीन फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं। अब होता क्या है, जब इसमें से ये एक फॉस्फेट टूटता है, ये एक फॉस्फेट जब यहां से निकलेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक एडिनोसिन बचेगा और दो फॉस्फेट रह गए। अब कितने फॉस्फेट रह गए, दो रह गए ना, अब yes, दो रह गए, है ना, और एक फॉस्फेट अलग हो चुका है इनमें से। तो सुने ध्यान से, अब अभी तक ये क्या था, अभी तक तो ये था ट्राई फॉस्फेट क्योंकि तीन फॉस्फेट के साथ जुड़ रहे थे। अब कितने रह गए, दो फॉस्फेट रह गए, तो अब ये क्या बन गया, ए डी पी बन गया और साथ में एक फॉस्फेट अलग हो गया और क्या मिलेगी साथ में हमें, एन मिलेगी, एनर्जी। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं बस ये बता रहा हूं कि एटीपी जब टूटता है किसमें, एडीपी में, तो क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी, एनर्जी कब निकलेगी, जब एटीपी कन्वर्ट होगा किसमें, एडीपी है ना, और एक फॉस्फेट इसमें से अलग हो गया है और साथ में क्या निकलेगी फिर, एनर्जी। एनर्जी, अब ये एनर्जी कौन सी लेयर पे बनती है, ये एटीपी कहाँ बनता है, ये एटीपी, एटीपी कौन सी लेयर पे बनता है, एटीपी बनता है इनर लेयर पे, क्योंकि इनर लेयर पे, इनर लेयर पे, गुड गुड, क्योंकि इनर लेयर पे क्या मौजूद है, इनर लेयर पे मौजूद होते हैं एफ नॉट एफ वन पार्टिकल। तो एफ नॉट एफ वन पार्टिकल ही एक्चुअल में क्या करते हैं, एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, इनके पास होता है एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ठीक है, एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम इनके पास मिलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, उस एंजाइम का नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस एंजाइम का नाम है एटीपीएज। ठीक है ना, या नाम याद रखना, एंजाइम का नाम है एटीपीएज। अब एंजाइम मैंने आपको बताया था, एंजाइम ऐसी चीज है जो किसी भी रिएक्शन को कराती है, तो एटीपी बनाने वाली भी कोई रिएक्शन होती होगी, होती होगी ना, तो एटीपी बनाने वाली जो रिएक्शन है वो कैसी है, एटीपी ऐसे बन जाता है, पहले एडीपी लाओ और थोड़ा सा फॉस्फेट लाओ और क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। और इस एटीपी को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, देखो ये आठवीं क्लास की तरह बायोलॉजी नहीं है, ठीक है, ये आप नाइन्थ क्लास में आ चुके हो तो थोड़ा डिटेल में हम चल रहे हैं। एटीपी कैसे कैसे बनता है, जब एडीपी के साथ क्या जुड़ेगा, एक फॉस्फेट जुड़ेगा, समझ गए, मतलब कि ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ ऊपर पढ़ाई है इसी को आप उल्टा पढ़ लीजिए, एडीपी के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा वापस से एटीपी बन जाएगा। क्लियर है, जैसे यहाँ बन रहा है एडिनोसिन के साथ तीन फॉस्फेट जुड़ रहे हैं, क्लियर है, yes, अब इस रिएक्शन को कराने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ रही है, उस एंजाइम का नाम क्या है, एटीपीएज। हाँ, एटीपीएज नाम है उसका, और इस एंजाइम को कौन बनाता है, एफ नॉट एफ वन पार्टिकल। समझ गए बच्चों, ये बात याद रखो, कैसे कैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है,
हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है और एटीपी से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसीलिए इसीलिए हम क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस। क्लियर है? अब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने को मिला, एट क्लास से कुछ एक्स्ट्रा है या नहीं है? है ना? हाँ जी, चलो सर। हाँ जी बताइए। सर वो होता है ना सर बहुत वो होता है इम्पोर्टेंट। हाँ इम्पोर्टेंट सर, ऑक्सीजन के। हाँ वो भी बताएंगे। हाँ वो भी कराएंगे, वो भी बताएंगे। अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ और बताता हूँ। अभी इसने वही बात छेड़ दिया रेस्पिरेशन वाली, वो बताए। ठीक है अब मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है अब मैं बताता हूँ रेस्पिरेशन। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या क्या करता है। ठीक है याद रखना कि ये ऑर्गेनेल क्या क्या फंक्शन करती है, तो मैं वो फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन तो इसका ये है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। हाँ एटीपी प्रोडक्शन करता है। अच्छा जैसे देखो, हाँ जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ऐसे ही एटीपी का एक दूसरा नाम है, मैं लिख देता हूँ साइड में। ठीक है भाई एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ठीक है एनर्जी करेंसी होता है। करेंसी जानते हो, जैसे हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपया है ना? जितना रुपया खर्च होगा उतनी ही चीजें हम ले पाएंगे। क्लियर है? ऐसे ही जितनी एटीपी खर्चा होंगे, जितने एटीपी खर्च होंगे उतनी ही हमें एनर्जी मिलेगी। क्लियर है? उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? इसीलिए एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये खर्च होती है। ठीक है अच्छा, तो एक तो एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है, दूसरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन यही चलता है। ठीक है ना, सेल का जो रेस्पिरेशन है वो भी कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। याद रखोगे? यस सर। हाँ ठीक है ना। अच्छा रेस्पिरेशन क्या होता है सुन लीजिए ध्यान से, कहीं आप सोच में पड़ जाए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, ये नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी पैदा करना। क्या पैदा करना? एनर्जी पैदा करना, एनर्जी। हाँ एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है ना, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। एक बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, बच्चों माइक ऑफ कर लो, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड और एनर्जी का प्रोडक्शन, इसी को हम बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। यहाँ पे आर मतलब रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, खाने का टूटना और उससे फिर एनर्जी पैदा करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस यही चलती है, और साथ ही साथ ये सिंथेसाइज करता है इट्स ओन प्रोटीन। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बनाता कैसे वो बात मैं समझा देता हूं ऊपर आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट 3 सेकंड में, और लैंडस्केप मोड में देखा करो, अपने फोन को टिल्ट करके जैसे मूवी देखते हैं ऐसे अपने फोन को टिल्ट करके देखो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर दिखता नहीं है, क्या लिख रहे हो आप। ठीक है भाई, तो मैं इसको रेज कर देता हूं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने ये क्यों बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। मैंने बहुत पहले आपको एक बात बताई थी कि डीएनए से क्या बन सकता है, आरएनए बन सकता है ना भाई? डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है।
तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, अपना खुद का डीएनए है, उस डीएनए से ये आरएनए बना देगा, और आरएनए जब राइबोसोम के पास जाता है, मैंने आपको बताया था, जब आरएनए राइबोसोम के पास जाता है तो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, नहीं बनाता है, ऐसा मैंने पढ़ाया था आपको एक लेक्चर में, अगर आपको वो लेक्चर, हाँ वो लेक्चर मैंने, देखो न्यूक्लियस की ना दो दिन में मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था, तो न्यूक्लियस में डीएनए कैसे कैसे काम करता है उस दिन मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी देखो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो उसी से वो क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। बच्चों म्यूट कर लो। हाँ जी सर, सर में आ गए यहाँ तक सभी को, माइटोकॉन्ड्रिया ओवर हो चुका है, इतना ही पढ़ना आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है भाई।